भीड़ तो देखो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएस न्यूज़ दिल्ली। आज मैं दिल्ली के ऐसे जगह पे पहुंचा हूं जहां पे ये जो जगह है मार्केट के नाम पे एशिया के अंदर में सबसे बड़ी मार्केट जो कि ये सदर बाज़ार के नाम से जानी जाती है। जी हाँ, जैसा कि देख सकते हैं आप कि आने वाला जो त्यौहार है वो है राखी का त्यौहार। राखी का त्यौहार भाई बहनों का एक अटूट बंधन जो रिश्तों से जुड़ा होता है, जिसे हम राखी का त्यौहार मानते हैं, जिसे हर साल मनाया जाता है अगस्त और सावन के महीने में ही। और देख सकते हैं कि आज मार्केट के अंदर में बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है क्राउड है, और पीछे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्राउड है। मैं आपको लेकर के चलूँगा। आप देख सकते हैं तमाम मार्केट के अंदर में काफ़ी परिस्थितियाँ, कई जगह ऐसी भी हैं कि लोग मार्केट में वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे, और कई जगह ऐसा है कि वहाँ पर काफ़ी भीड़ भी लगी हुई है। मैं कुछ यहाँ पे दुकानदारों से आप लोगों की बात कराऊंगा कि ये जो इस साल जैसे महामारी जो चली गई है उसके बाद में ये जो राखी का त्यौहार जो मनाया जा रहा है, और ये किस तरीके से और मार्केट के व्यवहार पे किस तरीके का इस समय इनका जो मार्केट का रुझान है वो किस तरीके से रहा। मैं कुछ मार्केट के लोगों से मिलवाता हूँ, और ये हमारे साथ में भाई साहब बैठे हुए हैं। लाला जी तो सो रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप दे दीजिए। आप क्या नाम है आपका? कल्लू। कल्लू, कल्लू जी, क्या रुझान रहा है इस समय पब्लिक का राखी के त्यौहार को लेकर के? बढ़िया रहा। बढ़िया है। हाँ। और मार्केट किस तरीके से चल रही है, लोग आ रहे हैं यहाँ पे? डोन चल रही मार्केट। पहले का जो कोरोना स्थिति जो चली है, जो महामारी चली है, उसके स्थिति में अब क्या सुधार आ रहा है? उससे सुधार बढ़िया है। सुधार बढ़िया है। हाँ। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोग जो है वो जानने की कोशिश भी करते हैं कि मार्केटों का किस तरीके का रुझान चल रहा है। लोग इस तरीके यहाँ पर आए, यहाँ पे थोक भाव से जो है वो यहाँ पर सामान मिलता है। आप किसी भी तरीके का जो सामान है, जिस तरीके से भी आप लगातार जो है यहाँ से सामान खरीद सकते हैं, अपने दुकान का सामान या अपने शॉप अगर आप लोगों ने कर, मैं उन लोगों से भी आप लोगों को बात कराने की कोशिश करता हूँ। आप भी मार्केट में आए हुए हैं सामान लेने? नहीं। क्या कर रहे हैं? दुकान है। दुकान है आपकी। कैसा रहा मार्केट का रुझान, आप इधर बताइए। भीड़ भड़कता थी, सही था। काम धंधा? काम धंधा ठीक चल रहा है इस समय? चल रहा है। अगर काम धंधा जैसे ठीक चल रहा है, लोगों के अंदर में जो राखी को त्यौहार लेकर के जो उत्सुकता है, लोग जो दुकान वाले हैं वो आ रहे हैं माल लेने? हाँ, आ रहे हैं। खूब माल लेने आ रहे हैं? आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। और यहाँ पे और भी लोग जो उपस्थित हैं, मैं उन लोगों से भी एक बारी कोशिश करूंगा बात कराने की कि क्या कहते हैं जिस तरीके से लोग जो पब्लिक जो है यहाँ पर आ रही है अपना सामान लेने। जी बताइए, आप क्या नाम है अंकल जी आपका? राजेंद्र। राजेंद्र जी, सर आप ये बताइए कि क्या मार्केट का किस तरीके का रुझान चल रहा है इस समय? काम सही है। काम सही है। जैसा कि अभी महामारी जो गई है उसको देखते हुए अभी के तत्काल के अंदर में यहाँ पे जो व्यापार चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है, और हमारी कामना यही रहेगी कि व्यापार हमेशा चलता रहे। और भी हमारे साथ में यहाँ पे हैं हमारे, आज भाई साहब जो आप लोग आए हो यहाँ पे मार्केट में, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप है। प्रदीप जी, प्रदीप जी कहाँ से आए हो आप? राजस्थान से। राजस्थान से आए हो, क्या करने आए हो आप यहाँ पे? हम राखी लेने आए। राखी लेने आए हो आप लोग? ये राजस्थान से हैं दोनों भाई, और ये लोग राखी लेने आए हैं यहाँ पर। क्या आपकी दुकान है क्या वहाँ पे? दुकान है। दुकान है आपकी? तो यहाँ से जो माल लेकर के जाते हो, आप लोगों को बचत होती है कि नहीं? नहीं, बचत होती है। बहुत बचत होती है। अच्छा है। अच्छा, माल कैसा रहता है यहाँ का? दिल्ली का? दिल्ली का माल बहुत अच्छा है। सदर बाजार में हो आप? यहाँ पे और भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करता हूँ। आप भी कहाँ से आए हो आप? झांसी। झांसी से आए हो? झांसी से क्या करने आए हो आप? सामान लेने। सामान लेने आए हो? दुकान है आप लोगों की वहाँ पे? किराने की दुकान है। तो आप लोग वहाँ पे ले जाकर के माल बेचते हो, तो मार्जिन वगैरह अच्छा है? हो जाता है, बढ़िया मार्जिन हो जाता है। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि मार्जिन भी अच्छा हो जाता है और कमाई भी अच्छी हो जाती है, और दिल्ली का माल तो वैसे भी मशहूर है, और दिल्ली की जो इस समय जो व्यापार चल रहा है राखी के त्यौहार को देख करके मार्केट का जो पोजीशन है वो ठीक है। आप आगे आ जाओ कैमरामैन जी।
यहाँ पे कुछ और भी दुकानदार भाई हैं, मैं उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करता हूँ। और कैसा रहा भाई साहब, आप मार्केट में आए हो? आप देख सकते हैं हमारे साथ में एक भाई साहब जुड़े, क्या नाम है भाई साहब आपका? अंकित। अंकित जी, अंकित जी कैसा रहा इस समय मार्केट का रुझान? मार्केट का बहुत अच्छा रहा इस बार। राखी को चलते जो यहाँ पे कस्टमर लोग आ रहे हैं, जो दुकानदार भाई भी आ रहे हैं, जो आपसे थोक रेट में लेते हैं सामान, उनके पास में मार्जिन उनका अच्छा रहता है या नहीं? हाँ जी दादा, ठीक रहता है। तो अपना अपना मार्जिन सबका अलग अलग है इसमें। तो मतलब पहले की मार्केट को देखते हुए जो कि 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए के जो सामान मिलते थे, इस समय वो कितने रेट में मिल रहे हैं? देखो हर चीज महंगी हो गई पीछे से, तो 5-10 रुपए तो फिर हमारे वर्ष में बढ़ेंगे चाहिए। हाँ जी। और यहाँ पे जो लगातार जो दुकानें जो लगातार चलती रहती है, और यहाँ पे व्यापार जो है वो लगातार हर सीजन में अलग अलग तरीके की वैरायटी आप लोग रखते हैं, तो अभी जो राखी का जो त्यौहार सही चल रहा है, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ में भाई लोग भी जुड़े हुए हैं, और मैं कुछ और दुकानदारों से मैं बात कराऊंगा। धन्यवाद भाई साहब। आप लोग भी यहाँ पे सामान लेने आए हैं? क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो आप? जितेंद्र पटेल, सीतापुर। सीतापुर से? बिहार से? नहीं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से, सीतापुर उत्तर प्रदेश से आए हैं। आप लोगों का दुकान है वहाँ पे? हाँ हाँ दुकान है। तो आप लोग राखी का सामान लेने आए हो? राखी का? हाँ, यहाँ पे हर साल से आते। मार्जिन अच्छा रहता है यहाँ पे? हाँ मार्जिन अच्छा रहता है। दिल्ली का सामान कैसा रहता है सबसे पहले तो बताओ? दिल्ली का सामान बढ़िया रहता है, बस ये है की बार कुछ थोड़ा सामान महंगा मिला है। इस समय महंगा मिल रहा है क्योंकि ज्यादातर जो है अभी इस समय महंगाई भी बढ़ चुकी है, सामान भी महंगा मिल सकता है, लेकिन यह है कि लोगों को इन सब चीजों का पता है, इसलिए सामान जो है वो एक दिन का त्यौहार है, लेकिन वो मनता है और अच्छे से मनता है। और ये मार्केट का क्या स्थितियां चल रही है? मार्केट में काम ही नहीं है। मार्केट में काम नहीं है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मार्केट में काम है और अच्छा चल रहा है, इसके पीछे क्या राजन है, क्या कारण है कि जो आप कह रहे हैं मार्केट में काम नहीं है? नहीं मिल रहे मार्केट में, इतना महंगा माल हो गया हमारा। अच्छा, रेट नहीं मिले, क्या कमाई क्या खाई इसमें का, गिरा सुनते ही भागते रेट। वो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि महंगाई के चलते जो है वो रेट जो है वो काफ़ी बढ़ करके मिल रहा है, लेकिन काफ़ी लोग जो है काफ़ी लोग जो है वो रेट को चलते लोग पूछते हैं, और लेकिन वो वहाँ से निकल जाते हैं। सुल्तानपुरी से आते किराया भी नहीं निकलता हमारा। सुल्तानपुरी से आते किराया भी नहीं निकलता है। 600 रुपये किराया लगता हमारा ऑटो में आने जाने का। सामान वामान सब साथ लेकर के? साथ लेकर के। 3 बजे आते सुबह। और यहाँ पर जो है इस समय जो मार्केट राखी की लग चुकी थी, लेकिन अब वो उठने जा रही है। आप लोगों का बंद करने का टाइम भी है क्या? 10 बजे का मार्केट बंद करने का टाइम है, और जो दुकानदार लोग यहाँ पे होंगे वो लोग चलाएंगे, मतलब जो पटरी वाले हैं वो सारे हट जाएंगे। तो जैसा कि अभी बीच में सुनने को आया था, परमजीत सिंह पंबा जी जो कि यहाँ के चेयरमैन हैं, और उन्होंने यहाँ पे बताया था कि जो है पटरी वगैरह जो लगेगी उसकी एक टाइम निर्धारित किया जाएगा, और उसी टाइम के हिसाब से यहाँ पे काम हो रहा है और पटरियाँ लग रही हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पे हमारे साथ में और जुड़े हुए हैं, और इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, कस्टमर हैं इनकी दुकान पर। मैम क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा जी, पूजा जी थोड़ा सा आप इधर देख लीजिए। आप मार्केट में आए हैं, कैसा लगा आपको यहाँ पे मार्केट में आकर? अच्छा लगा, बढ़िया। अच्छा लगा। यहाँ पे रेट के मामले में क्या कहना चाहते हैं आप? अरे हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं, इसलिए फर्स्ट टाइम आए हैं। लेकिन जहाँ तक देखा जाए कि यहाँ पे लोग जो है वो हर साल आते हैं, और जो भी सीजन पड़ता है उसके अंदर में हर साल यहाँ पे लोग पहुँचते हैं और यहाँ पे खरीदारी करते हैं और व्यापार चलता रहता है। आप दुकानदार हैं? यहीं पे दुकान है आपकी? आप संगम बिहार में इनकी दुकान है। आप ये बताइए मेरे को कि जहाँ से जो आप सामान लेके जा रहे हैं, क्या पहले के मार्केट में और अभी के मार्केट में क्या फर्क है? पहले से फर्क पड़ गया? कुछ नहीं है, पहले से कुछ फर्क पड़ा भैया, तो रेट में फर्क है, महंगाई। हाँ पहले के रेटों में फर्क है, मतलब महंगाई बढ़ चुकी है। आप भी दुकानदार हैं, कहाँ से आए हैं आप? संगम बिहार। संगम बिहार से। क्या नाम है आपका? शिव कुमार नाम। शिव कुमार जी, शिव कुमार जी बताइए क्या फर्क चल रहा है इस समय, मतलब कितना फर्क आ रहा होगा? फर्क ये है कि थोड़ा महंगा रेट पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है, लेकिन फिर भी काम हो रहा है। आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर में जो है वो लगातार भीड़ बढ़ती चली जा रही है। 10 बजे का यहाँ पे समय है मार्केट उठने का, जो पटरी वाले लोग हैं, और लेकिन मैं आप लोगों को और दिखा दूं कि यहाँ पे मार्केट जो है काफी दूर तक चल रही है इस समय, और राखी का जो त्यौहार जो चल रहा है। सर जी नमस्कार, आपका स्वागत है, क्या नाम है आपका? विनोद। विनोद जी। हाँ जी। विनोद जी, मार्केट की क्या स्थितियाँ चल रही है इस समय? चल रही है बिल्कुल, काम है ही नहीं मार्केट में, मंदा चल रहा है, बहुत मंदा चल रहा है। कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना हर मार्केट वाले को, हर व्यापार करने वाले को लग रहा है महंगाई के चलते, और काफी दिक्कतों का, लेकिन त्यौहार को देखते हुए इस समय मार्केट में भीड़ ज्यादा है।
क्या कहना चाहेंगे? भीड़ ज्यादा नहीं है, कम है, पहले से बहुत कम है। लेकिन अभी मैंने जो राखी की मार्केट में देखा वहाँ पे भीड़ ज्यादा थी और आप कह रहे हो कम है। वो तो कहीं इकट्ठी हो जाती है इसलिए ज्यादा लग रही है, ज्यादा लग रही है। जो बारह टूटी वाले जो रोड पे है उस समय वहाँ पे भीड़ काफी थी और वहाँ पे इस जगह पे कम है। ये कौन सी जगह पे आता है कि जो भीड़ कम है यहाँ पे? पान मंडी। पान मंडी, पान मंडी, ये पान मंडी है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि आप लोग पान मंडी में भी आए और यहाँ पर आकर के जो दो दुकानदार भाई हैं और उन लोगों से भी सामान लीजिए, आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर मिलेगा, यही मैं कहना चाहूंगा। ठीक है ना मैंने? ठीक है भैया। और होलसेल का है जहाँ पर सस्ता माल मिलता है, जहाँ पे सस्ता माल मिलता है और होलसेल का माल है। हमारे साथ में एक भाई साहब दुकानदार भाई भी जुड़े हुए हैं, क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी आगे आ जाओ। जितेंद्र जी क्या 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 रेट का क्या लगा है कि आपको यहाँ पे महंगाई चल रही है या रेट सही है? इस टाइम माल महंगा है, जो पहले इसकी कीमत होती थी 15 रुपये, आज इसका रेट है 25 रुपये। 25 रुपये, मतलब कहीं ना कहीं महंगाई की जो मार पड़ी है वो हर जगह पड़ी है। तो आप देख सकते हैं कि इस समय मैं सदर बाजार जो कि एशिया की नंबर वन मार्केट है, सोल होलसेल की जो मार्केट है वो नंबर वन पे है। बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? आज मार्केट रुपए में से 25 रुपये रह गई है। अच्छा, सब लोगों को घाटा हो रहा है, कोई ब्याज पे लाता, कोई कहीं से लाता पैसा, समझा, करोड़ों का घाटा हो गया यहाँ पे लोगों को। कोई जगह बेच के रखा है, कोई मकान गिरवी रखा है, ये सब ऐसे करके बेच रहे हैं। वो कह रहे हैं देखो पहले माल। अच्छा, अब क्या करें बताओ? 100 रुपए वाला माल 25 में बेचना पड़ रहा है, माल इतना बना हुआ है। अच्छा। अगले साल में लॉकडाउन में माल नहीं बना था, अब की बना था, सोचा था कि बेचेंगे दबा के, अब बिखरा नहीं है इतना। अच्छा, इस समय बिक नहीं रहा है ना, पब्लिक आ ही नहीं रही है ज्यादा, पब्लिक आ नहीं रही है, फिर चार दौर बाहर आ रही है। कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर के जो है वो हर किसी में आक्रोश है और महंगाई लगातार वो बढ़ती चली जा रही है। और यहाँ पे हमारे साथ में काफी लोग जुड़े हुए हैं, एक आंटी आंटी जी भी है। एक मिनट, जो त्यौहार राखी का आ रहा है और इस राखी के त्यौहार को यहाँ पे जो सदर बाजार के अंदर में भाई बहनों का जो त्यौहार है जो यहाँ पे राखी का चल रहा है, और इसके लिए क्या कहना चाहेंगे महंगाई को लेकर के कि महंगाई ज़्यादा पड़ी है या ठीक है? भाई ज़्यादा है, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा आप उधर देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगाई चल रही है, मतलब कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर के हर किसी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा दिक्कत, बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप लोगों ने सुना हमारे साथ में, क्या नाम है आपका? विजेंद्री। विजेंद्री जी कहाँ से आए हैं आप? मैं आई हूँ भजनपुरा से। भजनपुरा से, भजनपुरा से हमारे साथ में विजेंद्री जी जुड़े हुए थे और भी भाई है हमारे साथ में एक और। ये घूम घूम करके देखिए क्या बेच रहे हैं आप? ये बेल्ट बेच रहे हैं, बच्चों का बेल्ट, बच्चों का बेल्ट। क्या नाम है आपका? रविंदर कुमार सिंह। रविंदर जी आप थोड़ा सा कैमरे के सामने आओ तभी तो मजा आएगा। रविंदर जी आप ये बताओ जो बेल्ट जो बेच रहे हो बच्चों का, इस समय राखी का त्यौहार है, आपका काम चल रहा है या नहीं? हाँ चल रहा है, थोड़ा मोटा पब्लिक आ रहा है, बाकी बहुत काम ढीला चल रहा है। आप आगे कहाँ से रहने वाले हो? ऐसे हम तो बिहार के रहने वाले। बिहार के कौन सी जगह? वैशाली जिला के। वैशाली जिला के है, वैशाली जिला के हैं और ये भाई साहब टोकरी में भी राखी बेच रहे हैं। और इनसे भी एक बार पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर में महंगाई कहाँ तक लेकर के आई है? रंग माल बहुत महंगा चल रहा है, बहुत महंगा चल रहा है। आप ये जो टोकरी में देख सकते हैं, आप ये देखिए राखी बेच रहे हैं और कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर के जो है वो आक्रोश है लोगों के अंदर में। तो सरकार से यही कहेंगे हम लोग तो अपने चैनल के माध्यम से कि महंगाई पे थोड़ी सी रोक लगाई जाए और गरीबों के बारे में भी और व्यापार करने वाले लोगों के बारे में भी सोचा जाए, क्योंकि लगातार जो है वो व्यापार के मामले में महंगाई जो है वो कहीं ना कहीं बीच का रास्ते का रोड़ा बन जाता है, जिसकी वजह से लोग जो है वो उभर नहीं पाते और वो काम नहीं कर पाते आगे। हमारे साथ में भाई साहब एक और दुकानदार है, क्या नाम है आपका? राजेंद्र। राजेंद्र जी, राजेंद्र जी कहाँ से आए हैं आप? हम बार। कहाँ से? बार जिला। बार जिला, बाहर जिला लेकपुर। लेकपुर क्या लेने आए हैं आप यहाँ पे? राखी लेने आए थे। राखी लेने आए, आपकी दुकान है वहाँ पे? हाँ। अच्छा, जो राखी की आपकी दुकान है वहाँ पे क्या कितने रेट में बेचते हैं आप? तो रेट तो कम से कम तिगना रेट का मिल रहा है, क्या भाव बेचे? अच्छा, यहाँ पे अगर आपको 10 की मिलेगी तो आप वहाँ पे कितना बेचोगे? वहाँ पे 10 की ले जाके 15 की नहीं बिकती है। 15 की नहीं बिकती, नहीं बिकती है, तो मतलब कितना कितना मार्जिन आता होगा? मार्जिन ये कि 10,000 का ले जाते हैं तो कम से कम 12-13 हज़ार हो जाओ, मतलब उससे 10,000 के ऊपर में 1-2 हज़ार रुपये आप कमा लेते हैं। चलिए बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, चिंता मत कीजिए, टैक्स नहीं लगेगा आपके ऊपर इनकम टैक्स का। हाँ आ जा भाई, आ जा, तू भी आ जा, ना आ जा।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राखी का जो है वो पूरा त्यौहार की वजह से पूरी जो मार्केट है वो पूरी राखियों से सजी हुई है और मार्केट के अंदर में भीड़ है। मैं आगे और भी आपको कवरेज दूंगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे बताओ ना लोग दो दो लाख रूपए तीन तीन लाख रूपए ले आने। अरे तो इधर तो आ जाओ आप, इधर बोलो ना। मैं तो नाम बताओ आप अपना। नाम क्या बताऊँ, क्या दिक्कत हो रही है आप? मुझे क्या दिक्कत हो रही है, पब्लिक को दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है, वही तो बोल रहा हूँ। वही तो बता रहा हूँ मैं, दिक्कत हो रही है, जेबें कट रही है। और क्या हो रहा है? जेबें कट रही हैं। जेबें काटने वाले आखिर में लोग कौन है? वो पता नहीं कौन है, तुम्हें बताओ कि ये तो मीडिया। सदर बाजार के अंदर में देखो, अभी वो जाते जाते हमसे बोल करके गए कि जेबें कट रही है। आप अपनी जेबों का भी ख्याल रखे, मार्केट है, राह चलते कुछ भी हो सकता है, दुर्घटना। क्या नाम है आपका? बड़े। हाँ, नाम क्या आपका? बड़े सुमित। सुमित, सुमित जी, क्या स्थिति है, क्या चल रही है इस समय मार्केट को, महंगाई को देख करके? बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। फ्री बिक रहा माल, फ्री बिक रहा है, मतलब माल। आप लोग देख सकते हैं दुकानदार इस समय लगातार बता रहे हैं कि मार्केट की स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है महंगाई ने अपना जो है माल महंगा है माल बिक सकता है, लेकिन लोग अभी नहीं आ पा रहे हैं। तो शायद अभी टाइम, अभी 11 तारीख में शायद अभी टाइम है, तो हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर में होलसेल का काम खत्म हो चुका। होलसेल का काम आप रिटेल करेगा एक एक दर्जन का। कितने बजे से कितने बजे तक आपकी मार्केट लगती है? 4 बजे से 12 बजे तक। 4 बजे से 12 बजे तक चलती है, सुबेरे 4 बजे से और 12 बजे दिन तक आपकी चलती है मार्केट। 200 वाला 150 कर दिया लाला। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे जो है आवाज लगा करके जो है माल को जो बेचा जा रहा है, जो 150 वाला माल है, जो 100 में और 200 वाला 150 के अंदर में, तो ये लगातार जो है मार्केट का जो हाल है, रुझान है, वो महंगाई को लेकर के कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हर व्यापार वालों को। आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर में पूरी इस समय भीड़ भी है और मार्केट उठने वाली है, काफी भीड़ जो है वो खत्म हो चुकी है। क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जिला अमरोहा। अमरोहा से यहाँ पे क्या करने आए हैं आप? जी राखी लेने आए। राखी लेने आए हो, तो वहाँ पे जाकर के राखी बेचोगे? जी बेचते हैं, हर साल बेचते हो। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आकर के महंगाई के बारे में? महंगाई इतना तो खैर नहीं है अधिक, मगर है पिछले साल से कुछ ज्यादा है। पिछले साल से ज्यादा है, महामारी जो पिछले साल जो गई है उसके चलते कहीं ना कहीं महंगाई है। जी 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 जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर है भाई साहब, मैं हरियाणा रोहतक से आया हूँ। हरियाणा रोहतक से आ रहे हैं? रोहतक से आप आ रहे हैं, क्या करने आए हैं आप? मैं बच्चों के लिए राखी खरीदने के लिए आया हूँ। राखी खरीदने? हाँ जी। हाँ जी। सिर्फ बच्चों के लिए या बेचने के लिए भी? बेचने के लिए भी आए हैं भाई साहब। बच्चों के लिए मतलब राखी भी लेने आए? हाँ। बच्चों के बेचने के लिए। हाँ जी। तो पहले की मार्केट को और अभी की मार्केट में क्या फर्क है? बहुत फर्क है भाई साहब, महंगाई ने बिल्कुल कमर तोड़ रखी है आम आदमी की। अच्छा। खाने के लाले पड़े हुए हैं, खाने के लिए लोगों ने यहाँ पे काफी बताया है कि हम लोगों ने ब्याज पे लेकर के ब्याज पे पैसा उठा करके भी यहाँ पे मार्केट कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल महंगाई का। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। राहुल कुमार जी, कहाँ से आए हो आप? आगरा से। आगरा से। हाँ जी। क्या करने आए हो आप? राखी लेने आए थे। राखी खरीदने आए हो। कैसा रहा मार्केट का? बहुत महंगाई है। महंगा है? हाँ बहुत। चलिए, कोई महंगाई तो बढ़ रही है लगातार, बहुत अच्छा। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लगातार जो है लोग बने हुए हैं और दुकानदार भाई जो है वो लगातार यहाँ पर काम करने में लगे हुए हैं और टाइमिंग जो है वो 10 से 12 बजे तक का टाइम है इनका। आप देख सकते हैं मार्केट में पूरा भीड़ है, एक मार्केट में आप देख सकते हैं इस समय पूरी भीड़ है राखी के चलते जो है। एक बारी कैमरा इधर दिखा दीजिएगा। लगातार जो है वो यहाँ पर भीड़ जो है वो आती जा रही है और अभी 12 बजे तक 10 बजे तक के करीब में 12 बजे तक चलेगी। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा सदर बाजार दिल्ली से अपने कैमरामैन जितेंद्र के साथ, कैसी रही हमारी ये रिपोर्टिंग आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये व्यापार की जो स्थिति थी वो हमारी वीडियो में आप लोगों को जो अब देखने को मिलेगी और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी जो व्यापार की स्थिति है महंगाई को लेकर के आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। धन्यवाद।